पीएम मोदी ने बुधवार को राजस्थान के अजमेर में एक जनसभा को संबोधित करते हुए कांग्रेस को जमकर घेरा। पीएम मोदी ने कहा कि ये बहुत जरूरी होता है कि जो पैसा सरकार भेजे वो पूरा का पूरा विकास के कामों में लगे, लेकिन कांग्रेस ने अपने शासन में देश का खून चूसने वाली ऐसी भ्रष्ट व्यवस्था बना दी थी जो देश के विकास को खाए जा रही थी। इतना ही नहीं, पीएम ने कहा कि जब लूट की बात होती है तो कांग्रेस किसी में भेदभाव नहीं करती। कांग्रेस देश के हर नागरिक को, गरीब, दलित, पीड़ित, शोषित, वंचित, आदिवासी और अल्पसंख्यक सभी को समान भाव से लूटती है। वित्त वर्ष 2022-23 की चौथी तिमाही के आंकड़े जारी कर दिए गए हैं। भारत में जीडीपी ग्रोथ 7.2% रही, जो कि पिछले वित्त वर्ष में 9.1% रही थी। वहीं जनवरी से मार्च तिमाही में भारत की जीडीपी ग्रोथ 6.1% रही है। पिछले वित्त वर्ष की समान तिमाही में यह आंकड़ा 4% रहा था। वित्त वर्ष 2023 में जीडीपी दूसरी तिमाही में 6.3% और तीसरी तिमाही में 4.5% की दर से बढ़ी। बता दें, किसी एक साल में देश में जितनी भी सेवाएं और सामान प्रोड्यूस किए जाते हैं उनकी कुल वैल्यू को जीडीपी कहा जाता है। महाराष्ट्र के अहमदनगर जिले को अब अहिल्याबाई होलकर के नाम से जाना जाएगा। सीएम एकनाथ शिंदे ने जिले के नाम को बदलने का बुधवार को ऐलान किया। बुधवार 31 मई को अहिल्याबाई होलकर की जयंती थी। इसी मौके पर सीएम शिंदे ने जिले के नाम को बदलने का ऐलान कर दिया। जिले का नाम बदलने की मांग लगातार की जा रही थी। हाल ही में औरंगाबाद का नाम बदलकर छत्रपति संभाजी नगर और उस्मानाबाद का नाम बदलकर धाराशिव किया गया था। आइए आज हम आपको उन बॉलीवुड सेलेब्स के बारे में बताते हैं जिन्होंने सिगरेट पीना छोड़ अपनी सेहत पर ध्यान देना शुरू किया है। इस लिस्ट में सबसे पहला नाम सलमान खान का आता है, जो एक समय चेन स्मोकर थे, लेकिन जब से उन्हें फेशियल नर्व डिसऑर्डर हुआ तब से उन्होंने सिगरेट पीना छोड़ दिया। विवेक ओबराय भी स्मोकिंग की वजह से कैंसर पेशेंट बन चुके हैं। आज वो नशे से काफी दूरी बना चुके हैं। आमिर खान एक समय बहुत ज्यादा सिगरेट पीते थे, लेकिन बेटे आजाद के जन्म के बाद आमिर ने खुद से सिगरेट पीना छोड़ दिया। रणबीर कपूर ने खुलासा किया था कि वे 15 साल की उम्र से सिगरेट पीने लगे थे, फिर डायरेक्टर अनुराग बसु ने शूटिंग के दौरान उनकी इस आदत को छुड़वाया। कोंकणा सेन शर्मा पहले एक चेन स्मोकर थी, लेकिन जब वो प्रेग्नेंट हुई तो अपने बच्चे की सलामती के लिए उन्होंने सिगरेट पीना छोड़ दिया। ऋतिक रोशन सिगरेट पीने जैसी बुरी आदत में जकड़ गए थे, हालांकि बहुत कोशिशों के बाद उन्हें अपने इस आदत से छुटकारा मिला। अर्जुन रामपाल भी अपने दोस्त ऋतिक के नक्शे कदम पर चलकर सिगरेट पीने की आदत को छोड़ चुके हैं। सैफ अली खान को सिगरेट पीने की वजह से एक बार दिल का दौरा पड़ा था, जिसके बाद से सैफ ने स्मोकिंग छोड़ दी। शाहिद कपूर ने खुलासा किया कि कबीर सिंह के किरदार ने असल जिंदगी में स्मोकिंग छोड़ने में अहम रोल निभाया। शाहिद अब ड्रिंक और स्मोकिंग नहीं करते। अजय देवगन को सिगरेट पीने की बुरी लत थी, लेकिन पत्नी और एक्ट्रेस काजोल के बार बार मना करने पर अजय ने स्मोकिंग को बाय बाय कह दिया।